हेलो जी कैसे हैं आप सब तो चलिए आज बनाते हैं मलाई सी ग्रेवी की रेसिपी जो बनेगी एकदम क्रीमी और मज़ेदार और एकदम रिच फ्लेवर के साथ इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम चिकन मलाई सी को रेडी करते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सर पॉट में 700 ग्राम चिकन ब्रेस्ट जिसमें जाएगा एक मीडियम साइज का प्याज तीन हरी मिर्चें इसे कर देंगे हम अच्छे से ब्लेंड और हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी अब इसके अंदर हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे एक चम्मच ज़ीरा पाउडर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चम्मच कुटी हुई मिर्चें और ब्रेड क्रम इसके अंदर जाएगी धनिया पत्ता इसके अंदर डालेंगे हम नमक एक चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक बड़ा टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम सब सारी चीज़ों को अच्छे से मैक्स मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद में अपने हाथों को ग्रीस करते हुए छोटे छोटे प्रपोर्शन में मैंने चॉपस्टिक की हेल्प से ये सीख को रेडी किया अगर आपके पास में चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्यूअर्स ले सकते हैं आप स्ट्रॉ ले सकते हैं किसी की भी हेल्प से हल्के हल्के हाथों से हमें छोटे छोटे पोर्शन में लेते हुए ये सीख को रेडी करना है ये पूरे मिक्सचर से मैंने पंद्रह से अठारह सीख को तैयार कर लिया था तो चलिए अब इसे शैलो फ्राई करते हैं एक पैन ले लेंगे इसके अंदर हल्का सा ऑयल डालकर ये सारी सीख को हम फ्राई कर लेते हैं हमें इसे शैलो फ्राई करना है फ्लेम को रखना है मीडियम टू लो ज़्यादा फास्ट मत रखिएगा जब तक कि हमारी सीख रेडी हो रही है तो चलिए हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं तो हम इसके अंदर एक पैन लेंगे पैन के अंदर एक चम्मच ऑयल ऐड किया है और दो मीडियम साइज की मैंने प्याज लिया रफली चॉप करके 50 ग्राम काजू लिया है और तीन हरी मिर्ची ली है अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो ठीक है इसे हमें तब तक ये फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन फ्लेवर लाने के लिए कलर लाने के लिए मैंने इसमें धनिया पत्ते का इस्तेमाल किया है और इसे हमें एक मिक्सर ब्लेंडर में डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है तो देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है तो चलते हैं ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं एक मैंने कप भर ऑयल लिया है थोड़ा सा मक्खन चार लौंग चार इलायची और इसके अंदर एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया इसको हम भूनेंगे तब तो तक कि रॉ स्मैल ना चला जाए और जो हमने आ, पेस्ट तैयार किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इसको भी फ्लेम पर लो पर रखे फ्राई करना है इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच पेपर पाउडर एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच चाट मसाला पाउडर फ्लेम ज़्यादा फास्ट मत रखिएगा वरना हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है 100 ग्राम दही दही को मैंने मिक्सर में ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है दही को ब्लेंड करके इसलिए डालना है वरना ये फटी फटी सी लगेगी और मैंने थोड़ी सी आ, कसूरी मेथी है इसको हल्का सा भून लिया था और वो भुनी हुई कसूरी मेथी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है सीख हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है तो हम इस ग्रेवी के अंदर सीख को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंने पूरा एक छोटा डब्बा भरा हुआ अमूल क्रीम का इस्तेमाल किया है अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं है घर की क्रीम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको ढक कर हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है और देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाए तो देखिए हमारी रेसिपी तैयार है और ये सीख बहुत ही मजे की बनती है अगर आप मेरे तरीके से सीख ग्रेवी की रेसिपी बनाओगे तो आपके घर में सबको पसंद आने वाली है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कॉमेंट करना जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय